हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो गाइस, कल रात हम लोग यहाँ पर उदयपुर में रुके थे, होटल गुरबंद में। अभी हम लोग सुबह निकले हैं घूमने के लिए, पूरा उदयपुर सिटी घूमेंगे और यहाँ पर क्या क्या देखने लायक जगह है वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फतेह सागर लेक। तो चलिए चलते हैं फतेह सागर लेक देखने के लिए। तो गाइज, उदयपुर सिटी के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है देखने लायक, वो सब दिखाने वाले हैं हम आपको। तो सामने जो दिख रहा है वो फतेह सागर लेक है, यहाँ से एंट्री है। तो पहुँच चुके हैं हम लोग फतेह सागर लेक, इसको प्रताप सागर भी बोलते हैं ना। क्या है ये? तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुई है, इसीलिए एंट्री नहीं दे रहे, कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं, तो अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो चलो पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और वोटिंग वगैरह भी चालू होती है, तो वो भी अभी चालू नहीं हुई है। हम लोग सुबह सुबह पहुँच चुके हैं यहाँ पर, 9 बज चुके हैं, पर कोई दिख नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो यहीं पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ पर पास में ही फतेह सागर लेक। तो चलिए आपको दिखाते हैं, व्यू बहुत ही मस्त है, पर लगता है अभी बंद है, खुला नहीं है। ये देखो पानी कहाँ तक है, यहाँ तक पानी है और हमें वहाँ तक जाना है। सज्जनगढ़ फोर्ट है वहाँ पर, ये सज्जनगढ़ फोर्ट है, ये देखो दिख रहा है यहाँ से। तो फतेह सागर देखने के बाद हम लोग जाएंगे सज्जनगढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो यहाँ पर उदयपुर सिटी के अंदर बहुत सारी जगह देखने लायक है, तो वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। अंशु, यहाँ पर बोटिंग एरिया है पर अभी चालू नहीं हुआ है लगता। तो शाम को यहाँ पर आएंगे और बोटिंग वगैरह हम करेंगे, क्योंकि अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ से हमको वापस ही जाना पड़ेगा। तो गाइस, सही में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर फतेह सागर लेक पर कोई आ रहा है नेता वगैरह, तो यहाँ पर अभी अलाउड नहीं है। तो 3-4 घंटे के बाद ये सब शुरू होगा, तो यहाँ पर 3-4 घंटे वेट करना मुश्किल है। तो अभी हम लोग निकल रहे सीधा सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। तो गाइस, सवेरे सवेरे का टाइम है और भूख भी लगी है, नाश्ता नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, दिन नहीं निकलता। तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए, महादेव फूड जंक्शन, और पास में वैदेही फूड प्लाजा करके है। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए निकलेंगे। तो उदयपुर सिटी में यही जगह हमें बेस्ट लगी, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा ब्रेकफास्ट। तो चलिए क्या मंगाते हैं देखते हैं। ये देखो वो सब तो बैठ भी गए, तो हम भी वहाँ पर जाके बैठते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़िया और समोसा बन रहे हैं। ये खमन, खमन के साथ ये चटनी कड़ी कड़ी, ये देखो शुरू भी हो गए। कैसा है टेस्ट? अच्छा। साथ में पोहे और चाय, और हमने मंगवाई है कुल्लड़ वाली चाय। ये देखिए समोसा किस तरह से है, चटनी है, दही भी है साथ में। लो, तो नाश्ते के साथ कुछ मीठा हो जाए। तो नाश्ता कर लिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे जाने के लिए।
तो गाइस रास्ते में हमें ये अरावली वाटिका दिखी, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा गार्डन है। तो यहाँ पर देखते हुए फिर आगे निकलेंगे सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक के देख लेते हैं, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो देखिए इसका व्यू, काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन है, बहुत ही प्यारा गार्डन है। यहाँ पर छोटा सा फाउंटेन है और साथ में ये बहता हुआ पानी, काफी खूबसूरत सा नजारा है। और ये क्रोकोडाइल्स, ओ बाप रे, जैसे असल में दिख रहा हो। तो यहाँ से ऊपर चढ़ना है, फिर वहां से वहां जाना है, फिर वहां से ऊपर और जाना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो थोड़ी बहुत वॉकिंग हो जाए, सुबह सुबह का टाइम है तो वॉकिंग सेहत के लिए अच्छी होती है। बच्चे लोग भी काफी एंजॉय कर रहे हैं, देखो। चाय नाश्ता हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं सज्जनगढ़ के लिए। तो सज्जनगढ़ फोर्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सज्जनगढ़ फोर्ट। तो मिलते हैं आने वाले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश। तो गाइस हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। जय द्वारकाधीश।